Welcome to Maths class. I am Manpreet, your Maths teacher from Raj International School. We are learning Chapter 7, Fractions. In previous video, I had explained you Exercise 7.5. In today's video, I am going to explain you word problems of Exercise 7.6. So let's start. Your first word problem is, Anu was given Maths book for reading. Anu ko Maths ki book di gayi reading ke liye. She completed 1/3 of it. उसमें से उसने कितनी रीड आउट कर ली है? 1/3 पार्ट उसने रीड आउट कर लिया है. How much is left? तो left का मतलब क्या हुआ? कितनी बच गई. और left word आपने पहले की वीडियोस में भी देखा होगा और अपने maths के जो आपने subtraction chapter किया था उसमें भी left word आया था. So left का मतलब क्या होता है? हमें subtract करना होता है, ठीक है? अब subtraction के लिए हमें दो numbers की need होगी और हम अपने question में देखें तो हमारे पास एक ही fraction दी है, 1/3. तो मतलब जो टोटल मैथ्स की बुक है उसकी फ्रैक्शन हमें नहीं गिवन है. तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो हमने एक्सरसाइज 7.1 की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम होल कैसे बनाते हैं, ठीक है? सो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. हमारे पास 1/3 पार्ट दिया है, सो इट मीन्स टोटल पार्ट मेरे पास 3 है, ठीक है, डिनोमिनेटर में. तो इसका होल कैसे बनेगा? न्यूमरेटर में मेरे को सेम पार्ट्स चाहिए, सो इट मींस 3/3 अगर मैं करूंगी तो मेरे पास होल पार्ट आ जाएगा बुक का, ठीक है? सो हम क्या लिखेंगे? होल पार्ट ऑफ किसका निकाल रहे हैं हम? बुक, ठीक है? मेरे पास फ्रैक्शन में क्या दिया है? मींस 3 पार्ट्स है मेरे पास. अब इसका होल कैसे बनेगा? सेम नंबर हम डिनोमिनेटर में दिया है उसी को न्यूमरेटर में मेंशन करेंगे. So this is the whole means complete book आपकी maths की. Now completed जो उसने read out कर ली है, ठीक है? So Anu completed, कितनी complete की उसने? 1/3. So आप यहाँ पर लिखोगे 1/3, ठीक है? Next how much is left, कितनी बच गई है? So left में आपको मैंने अभी बताया था हम minus करते हैं. So आपके whole part में से हम किसको माइनस करेंगे? जो पार्ट अनु ने कंप्लीट कर लिया है, 1/3, ठीक है? सो माइनस में मैंने आपको बताया था आपको कॉमन निकालना है. सो 3 हमने कॉमन ले लिया और जो आपके न्यूमरेटर है उनको हम माइनस करते हैं, 3 - 1. सो 3 में से 1 माइनस किया, आपके पास क्या आंसर आ गया? 2. और आपको डिनोमिनेटर भी मेंशन करना है, सो आपके पास आंसर आया 2/3. मीन्स ये वो वाला पार्ट है जो अनु ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, जो उसका लेफ्ट है, ठीक है? सो आई होप यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन 1. नाउ लेट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. अनुज डिड 1/4 ऑफ ड्राइंग इन स्कूल एंड 2/4 ऑफ ड्राइंग एट होम. अनुज ने एक ड्राइंग की और उसमें से कितना पार्ट? 1/4 पार्ट था जो उसने कहां कंप्लीट किया? स्कूल में. और सेम ड्राइंग का 2/4 पार्ट उसने कंप्लीट किया घर पर, ठीक है? How much drawing did he do? हमें क्या बताना है कि उसने कितनी drawing कर ली है. तो it means जो part उसने school में किया था और जो part उसने घर में at home किया है वो दोनों उसने same drawing का किया है, तो उन दोनों को हम क्या करेंगे? Plus. So पहले हम statement mention करेंगे, जो आपको statement दे रखी है हम वहीं से statement बना सकते हैं, ठीक है? अनुज did drawing आपको दे रखा है, so same हम लिखेंगे, अनुज did ड्रॉइंग. सबसे पहले उसने कहा की थी? इन स्कूल की थी, तो आप सेम लिखेंगे इन स्कूल. अब वो कितनी है? 1/4, तो आप यहां पर मेंशन करेंगे 1/4. नेक्स्ट ड्रॉइंग जो उसने की थी वो घर पर की थी, तो आपकी वर्डिंग क्या आएगी? सेम, इसी को हम सिर्फ जो आपका स्कूल वर्ड है वहां पर चेंज कर देंगे. अनुज डिड ड्रॉइंग और यहां पर क्या लिखा है? एट होम लिखा है ना, तो यही आप लिखेंगे एट होम. अब ये आपको कितनी दे रखी है फ्रैक्शन? 2/4. सो सेम आप यहां लिखिए 2/4. अब आपको क्या निकालना है? हाउ मच ड्राइंग डिड ही डू, उसने कितनी ड्राइंग की थी. आप क्या लिख सकते हैं? अनुज डिड ड्राइंग, अनुज ने कितनी ड्राइंग की है. दोनों फ्रैक्शन को हम प्लस करेंगे, 1/4 देन प्लस 2/4. और प्लस और माइनस में आपका सेम रूल रहता है, आपको डिनोमिनेटर एक कॉमन ही लिखना होता है, तो यहाँ पर आप 4 लिखेंगे और न्यूमरेटर को हम प्लस करेंगे, 1 +
टू. सो वन में टू प्लस किया आपके पास क्या आ गया, थ्री बाई फोर. सो ये क्या है जो अनुज ने अभी तक ड्रॉइंग की है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन फोर. सुनीता रीड्स 1/6 ऑफ अ बुक ऑन सैटरडे. सुनीता के पास एक बुक है, उसका 1/6 पार्ट उसने सैटरडे को रीड किया. ठीक है, एंड 2/6 ऑन संडे, और फिर उसके आगे वाला 2/6 पार्ट उसने संडे को रीड किया. हाउ मच ऑफ बुक शी डिड शी रीड. तो अभी तक उसने कितनी बुक रीड कर ली है. सो इट मीन्स जो पार्ट उसने सैटरडे को और जो पार्ट संडे को रीड आउट किया था उतनी ही रीड किए ना, तो हम दोनों डेज में जो फ्रैक्शन है उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे. तो आप अपने जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वहीं से स्टेटमेंट बना सकते हैं. सुनीता रीड्स बुक, पहले कौन से डे को की थी, ऑन सैटरडे. तो आप लिखेंगे ऑन सैटरडे, वो कितनी है 1/6 दी है, तो आप यहां लिखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट संडे है तो हमें डे ही चेंज करना है. सुनीता रीड्स बुक ऑन संडे, और नेक्स्ट फ्रैक्शन है आपके पास 2/6, तो आप लिखेंगे 2/6. अब आपको क्या निकालना है, हाउ मच ऑफ बुक डिड शी रीड. तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, बुक शी रीड. ठीक है, दोनों फ्रैक्शन प्लस करेंगे, 1/6 प्लस 2/6. तो आपको क्या करना है, कॉमन निकाला 6, 1 और 2 न्यूमरेटर को हम प्लस करेंगे, 1 प्लस 2. तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3/6. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन 1, 3 एंड 4. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वीडियो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट मी.